मैं बंधन मुक्त। रामपुर नामक गांव के लोग खेतीबाड़ी और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। रामपुर गांव में 70 परिवार रहते हैं। रामपुर एक छोटा सा गांव है। वहां के लोग अपनी जरूरत की सामान के लिए पड़ोस गांव राजापुर जाते हैं। उन दोनों गांवों के बीच एक नदी है। यदि उस गांव के लोगों को इस गांव में आना हो या फिर इस गांव के लोगों को उस गांव में जाना हो तो उस नदी को पार करके ही जाना होता है। राजापुर गांव बहुत ही उन्नत स्थिति में है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो वहां पर ना मिलती हो। उस गांव में लक्ष्मी टॉकीज नाम का एक छोटा सा सिनेमा हॉल भी है। आसपास के गांव के लोग वहीं पर जाकर सिनेमा देखते हैं। रामपुर में लोग दिन भर खेती का काम करके शाम को औरतें खाना बनाने की काम और मर्द लोग बैठकर बातें करते रहते हैं। यदि कोई नई सिनेमा लगी तो उस गांव के औरत और मर्द, बड़े बुजुर्ग सभी लोग सिनेमा देखने पड़ोस गांव राजापुर जाते हैं। साधारण दिनों में नदी में पानी कम होने के कारण लोग नदी में उतरकर पैदल चले जाते हैं, पर बारिश के दिनों में नाव से जाते हैं। कभी कभी नदी में पानी का प्रवाह ज्यादा होने से नाव भी नहीं चलाते हैं। उस गांव में चंटी नामक एक लड़का है। वह बहुत ही अच्छा लड़का है। उस गांव में किसी को भी कोई भी जरूरत हो तो वे चंटी को बताते थे। चंटी को कोई कुछ भी काम करने बोले तो वह मना नहीं करता था। चंटी को सिनेमा बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक दिन, अरे चंटी, तुम्हारी चाची की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। तुम राजापुर जाकर दवाइयां लेकर आना। ठीक है चाचा जी। ऐसा कहकर चंटी ने राजापुर जाने की तैयारी की। दवाइयां लाकर राम मूर्ति को दिया। तुम तो खरा सोना हो चंटी, तुम्हें अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए। कल मैं वड़ा बनाई थी, खाओ। वाह वड़ा, चाची मुझे बहुत पसंद है वड़ा। वड़ा खाते हुए वह जाते रहता है। इतने में, अरे चंटी, घर में मेहमान आए हैं, घर में 4 हंडी पानी डालकर जाना। हाँ डाल दूंगा। चंटी गांव के मुखिया के घर में पानी डालते रहता है। इस प्रकार चंटी गांव के सभी लोगों की मदद करता है। हमेशा की तरह उस साल भी बारिश का मौसम शुरू होता है। एक दिन गांव में सिनेमा के पोस्टर लगा रहे थे। उसे देखकर चंटी, अरे कृष्णा, हॉल में नया सिनेमा लगा है, रात को सेकंड शो चलेगा क्या? अरे कल की बारिश होकर पानी का प्रवाह बढ़ गया है, सिनेमा देखने कैसे जाएंगे? शायद नाव चला रहे होंगे, नहीं तो वो पोस्टर चिपकाने वाला हमारे गांव कैसे आता? ठीक है तो फिर चलते हैं, अपने दोस्तों को भी बताते हैं। कृष्णा अपने दोस्तों को बताता है और सभी लोग मिलकर रात को सिनेमा देखने जाने लगते हैं।
अंधेरे में खेतों के बीच से जाने लगते हैं। पैदल चलते हुए नदी के पास जाकर नाव चढ़ते हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मी टॉकीज में नया सिनेमा लगा है ना, इसलिए हम सब सिनेमा देखने जा रहे हैं। सिनेमा खत्म होने के बाद जल्दी से आ जाओ, अगर देर हो गई तो मैं नाव चलाना रोक कर घर चला जाऊंगा। ऐसा मत करना, इस नदी के लिए तुम्हारा नाव ही एकमात्र सहारा है। यदि तुम चले जाओगे तो रात के अंधेरे में नदी पार करना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, सिनेमा खत्म होते ही भाग कर आ जाएंगे। इस प्रकार सभी लोग सिनेमा हॉल जाकर सिनेमा देखते हैं और फिर लौट कर आते हैं। अरे वाह, सिनेमा बहुत ही अच्छा है रे, वे गाने, फाइट्स बहुत ही अच्छा है। हाँ रे चंटी, बहुत अच्छा है सिनेमा। सिनेमा के बारे में बातें करते हुए नाव के पास जाते रहते हैं। अरे चंटी, नाव चलाने वाला है या नहीं, कहीं दिख तो नहीं रहा? रहेगा तो नाव चढ़ेंगे, अगर नहीं तो तैरते हुए चले जाएंगे। बाप रे, मुझे तैरना नहीं आता, ऐसे भी नदी में पानी ज्यादा है। तुम लोगों के लिए भी अंधेरे में तैर कर जाना खतरे से खाली नहीं है। बातें करते हुए नदी किनारे पहुंचते हैं। अंधेरे में टॉर्च डालकर देखने पर नाव दिखाई देती है। उनमें से एक दौड़कर जाकर नाव पर चढ़ जाता है। अरे नाव है रे, जल्दी आओ, ऐसा बोलकर वह चिल्लाया। इतने में चंटी नाव में नाविक ना होने के कारण उसे कुछ शक हुआ। क्या बात है, नाव इस किनारे पर है पर उसमें नाविक नहीं है, उसके बिना उस किनारे से इस किनारे पर कैसे आई है? कुछ अजीब सा लग रहा है। चंटी बहुत जोर से चिल्लाया, अरे गोविंद, अरे नाव से उतर जा रहे हैं, उतर जा। ऐसा चिल्लाते ही नाव में से एक भयानक आकार बाहर निकलकर नाव चलाते जा रही थी। उसमें गोविंदा डर के मारे चिल्ला रहा था, अरे चंटी, कृष्णा, मल्ली, बचाओ रे, मुझे बचाओ। डर के मारे जोर से चिल्ला रहा था। नाव नदी के बीच में पहुंचते ही चुड़ैल गोविंदा का सर उखाड़ दी और खून पीने लगी। नाव नदी के उस ओर पहुंचते ही चुड़ैल और नाव भी गायब हो गए। उस ओर चंटी और बाकी लोग दुखी होकर रो रहे थे। अरे हमारा गोविंद मर गया रे, वह चुड़ैल उसे बहुत ही भयानक रूप से मार डाली। अरे हमारा गोविंद मर गया रे। सभी लोग दुखी रहते हैं। चंटी को बहुत गुस्सा आता है। क्या रे, क्या वह चुड़ैल है, भूत है, क्या पिशाच है? जो भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसको सबक सिखाऊंगा। हाँ, हमारे गोविंद को मारने वालों को नहीं छोड़ेंगे, उसकी वजह से और किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। सुबह होती है। अरे चंटी इधर देखना, उस किनारे पर नाव है, मगर रात को नाव में जो चुड़ैल दिखी थी वो गायब हो गई है। हम लोगों ने रात को दूसरी नाव देखी, यह सब वह चुड़ैल की माया है। नाव इस ओर आती है। सभी लोग नाव चढ़कर अपने गांव पहुंचते हैं। रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में गांव के मुखिया जी को बताते हैं। अरे चंटी, ये तुम क्या कह रहे हो, चुड़ैल ने गोविंद को मार डाला? जी हाँ, उसे बहुत ही भयानक रूप से मार डाली है। नाव में चुड़ैल, ये तुम क्या कह रहे हो? जी दादा, इसका मतलब भारती चुड़ैल फिर से आ गई है। भारती भूत? क्या हुआ दादा, भारती कौन है? भारती इस गांव की लड़की है, नौका चलाती थी, बहुत अच्छी थी, उससे प्यार करने वाला,
उसे धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी किया है। यह जानकर नाव में छेद करके नाव के साथ नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। मरने के बाद उसका शव नदी किनारे बहते हुए आया। सभी मिलकर उस शव को नदी किनारे शमशान में दफना दिए। उस घटना के कुछ दिन बाद मरी हुई भारतीय आत्मा में बदलकर रात के वक्त नौका में घूमती रहती है। उस प्रकार एक दिन उसकी आत्महत्या के कारण बनने वाला उसके प्रेमी को मार डाली। इतना ही नहीं, रात के वक्त उस और कोई भी अकेले जाते हैं तो उन्हें भी मार डालती है। सभी लोग डर के मारे पड़ोस गांव से तांत्रिक को बुलाकर उसे जहां पर दफनाया है वहीं पर शुद्ध पूजा करके उसकी आत्मा को एक लाल कपड़े में बंदी बनाकर उसे उसकी पांव की तरफ दफना दिए। उसके बाद ऐसी घटना कभी नहीं घटी। इतने दिनों के बाद फिर से ऐसी घटना घटी है, मतलब उसकी आत्मा शायद बंधन मुक्त हो गई है। पर दादा, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? पड़ोस गांव में उस चुड़ैल को बंदी बनाने वाले तांत्रिक के पास जाना होगा। इस समस्या का समाधान वही बताएंगे। दादाजी ने जैसा कहा वैसे ही पड़ोस गांव से तांत्रिक को चंटी लेकर आता है। क्या बात है? आपने 10 साल पहले बंदी बनाया था ना, वह चुड़ैल फिर से बाहर आकर हमारे गांव के आदमी को मार डाली। मैंने जिस चुड़ैल को बंदी बनाया था वह फिर से लौट आई है, असंभव। ऐसा कहकर अपनी दिव्य दृष्टि से वह सब कुछ जान जाता है। हाँ, वही नौका वाली चुड़ैल। 10 साल बंदी रहने के कारण वह अब ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। मैं जैसा कह रहा हूँ आप लोग वैसा ही कीजिएगा। तांत्रिक ने गांव वालों को क्या करना है पूरे विस्तार से बताया। तांत्रिक ने जैसा कहा वैसे उस गांव के लोग एक काली मुर्गी को काटकर उसका खून खाने में मिलाकर उसे लेकर भारती को जहां दफनाया गया था उस समाधि के पास जाते हैं। उस खून मिलाए हुए खाने को वहां रखिए। तांत्रिक के ऐसा कहने पर उस खाने को समाधि के पास रख देते हैं। लोगों के नजरों के सामने ही चुड़ैल आकर उस खून मिलाए हुए खाने को खाने लगती है। उसे देखकर लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। तांत्रिक मंत्र पढ़ते रहता है। जम जम प्रेत प्रकोपम, भम भम भूत भसमम, डम डम पिशाच आह्वानम। इस प्रकार तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल खून मिलाया हुआ खाना खाकर बहुत ही जोर से हंसने लगती है। मुझे बंदी नहीं बना सकते हो। इससे पहले मैं तुम्हें बंदी बनाकर दफना कर गलती किया, आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, देखो। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। जम जम प्रेत प्रकोपम, भम भम भूत भसमम, डम डम पिशाच आह्वानम। तुम में से कोई एक कुंवारा लड़का मेरे सामने आओ। ऐसा कहते ही चंटी तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक चंटी के हथेली को काटकर उस खून को नींबू के ऊपर डालता है। उस नींबू के ऊपर तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली भस्म डालते ही नींबू के साथ साथ वह चुड़ैल भी राख बन जाती है। बहुत पहले डूबी हुई नाव नदी पर तैरती हुई दिखाई देती है। उसे किनारे पर लाकर भारती के समाधि के पास ही तेल डालकर जला देते हैं। भूत के चंगुल से बचाने के कारण उस गांव के सभी लोग तांत्रिक को धन्यवाद करते हैं। हमेशा की तरह गांव के सभी लोग आराम की जिंदगी जीते हैं।